खबर गांधीनगर से, अमित शाह जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गांधीनगर गुजरात लोकसभा सीट से, गुजरात के गांधीनगर लोकसभा सीट से अमित शाह चुनाव जीत गए हैं। और ये अभी अभी मिल रही ताजा जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रणनीतिकार अमित शाह ने जीत दर्ज कर ली है और एनडीए के एक बड़े नेता की अब जीत हो चुकी है। गांधीनगर लोकसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट मानी जाती है, सेफेस्ट सीट मानी जाती है, और अमित शाह की जीत से यहां पर ईवीएम से चुनाव जीतने के सिलसिले में जीत का खाता खुल गया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए। और अमित शाह की जीत के साथ ही गुजरात की दो सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली, एक पहले से ही सूरत जिसके बारे में हम जिक्र भी कर रहे थे, और दूसरी सीट ये गांधीनगर की जहां से अमित शाह ने जीत हासिल की है। अमित शाह के सामने जो प्रत्याशी कांग्रेस की थी वो थी सोनल रमन भाई पटेल, लेकिन वो नहीं जीत सकी और अमित शाह ने बंपर वोटों से जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जहां 400 पार का सबसे ज्यादा नारा बुलंद करने वाले अमित शाह पूरे देश में ही नजर आए। घोरमोड़े साहब एक रिएक्शन लेना चाहेंगे, अमित शाह चुनाव जीत गए हैं, एक बार फिर से बड़ी भूमिका में नजर आएंगे केंद्र सरकार में। देखिए निश्चित तौर पे, और केवल यही चुनाव नहीं, इसके पहले भी उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पूरे गुजरात के अंदर में हम 26 की 26 सीटें जीतते रहे हैं, और उसमें विशेष रूप से भूमिका माननीय अमित शाह जी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की रहती रही है। जब से हम केंद्र के अंदर में है, चाहे हम पहला चुनाव का जिक्र कर लें 2014 और 2014 की तमाम रणनीति, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता, और विशेष रूप से माननीय अमित शाह जी की भूमिका, और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जिस प्रकार से हम सभी कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ताओं का उन्होंने मार्गदर्शन किया, मुझको लगता है कि उसी का परिणाम है जो लगातार हम ये तीसरा चुनाव है और पूरे आत्मविश्वास के साथ हमने ये चुनाव लड़ा है, और एक प्रकार से तीसरे बार सरकार बनाने की दिशा में जो ट्रेंड भी दिखा रहा है और इतिहास रचने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, तो एक दिशा और दशा को तय करते हुए आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन के साथ अमित शाह जी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, और जो परिणाम निकल करके आ रहे हैं जिस प्रकार से पहला रुझान भारतीय जनता पार्टी के जीत का अमित शाह जी के रूप में आ रहा है, तो मैं समझता हूं कि अब यहां से ये सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा और जो ट्रेंड दिख रहा है उससे भी हम आगे बढ़ते हुए निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए जो हमारा लक्ष्य है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है नीतीश कुमार और टीडीपी से, तेलुगु देशम पार्टी से कांग्रेस बात करेगी। इस बीच बिहार से लेकर साउथ की अगर बात करें आंध्रा तक तो खलबली मच गई है, और अब कांग्रेस जो है वो नीतीश कुमार और टीडीपी से बात। बिल्कुल नीतीश सूत्रों के हवाले से जानकारी है अंशिका अभी ये, और कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के बारे में भी अगर बात करें, नीतीश कुमार जो अभी ठीक चुनाव से पहले ये प्रणेता है एनडीआईए के, और ये उसके बाद अब जिस तरह की चर्चा चल रही है वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि इस बारे में भी बात करना लाजिमी हो जाता है। नीतीश कुमार जिन्हें कई तरह की संज्ञा दी जा रही, मैं भी वो यहां पर देने की बिल्कुल भी मैं नहीं कोशिश करूंगा, लेकिन टीडीपी जो साउथ में लीड कर रही है और नीतीश कुमार जो अभी इस वक्त बिहार में अच्छी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे और बीजेपी के साथ वो चले गए, INDIA के प्रणेता वो रहे और एन मौके पर उन्होंने फिर उसका साथ छोड़ दिया, और अब बात करेंगी कांग्रेस के बड़े नेता, सूत्रों से मिल रही है जानकारी, कुछ बड़ा बदलाव देख सकते हैं क्या चौधरी साहब? और एक और इस बीच बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल पश्चिम से, किरण रिजिजू की जीत हो गई है। देखिए अंशिका, अब जो रुझान है वो परिणामों में बदलने लगे हैं, अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की जीत हो गई है, और केंद्रीय मंत्री जो उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय मंत्री पीछे चल रहे हैं, तो कुछ केंद्रीय मंत्रियों की जीत के आंकड़े भी सामने आ गए और स्पष्ट हो चुका है परिणाम। हमने पहले देखा अमित शाह गांधीनगर में जीते और अब किरण रिजिजू भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं। नबाम तुकी को उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जिन्हें हराया, किरण रिजिजू एक बार फिर से चुनाव जीतकर संसद भेज दिया है जनता जनार्दन ने, और यहां एक अच्छा खासा अंतर 97,644 वोटों का किरण रिजिजू के पक्ष में गया है, और उन्हें 97,000 वोटों से जीत का यह अंतर दिखाई दे रहा है, 97,644 एक बड़ा अंतर रहेगा अंशिका। बिल्कुल, और देखिए आप किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम से जीत हासिल उन्होंने की है, तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट एरिया के साइड भी पड़ सकता है, जैसा कि अगर पहले ही हम देख रहे हैं कि उन्होंने जीत हासिल की है तो और भी जो नतीजे आएंगे तो शायद वो बीजेपी के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं।
हालांकि अभी देखना होगा कि और भी राज्य इर्द गिर्द अरुणाचल के वहां पर क्या होते हैं नतीजे, लेकिन उससे भी शॉकिंग जैसा कि हम बोल रहे थे कि बातचीत का जो सिलसिला है वो हर कोई इधर से उधर कर ही रहा है नीतीश कुमार, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार से और टीडीपी से कांग्रेस बात कर सकती है, तो ये क्या बातचीत हो सकती है, बीच में किस तरीके से बातचीत चलेगी? बिल्कुल, इंदौर चलेंगे। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और क्या डिटेल्स मिल पा रही है? रुझान अभी एनडीए के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। जी, इस वक्त मैं पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी के घर पे मौजूद हूँ, हमारे साथ में हैं। ताई से हम बातचीत करेंगे। ताई, न्यूज 18 में तारी ताई, रुझान आने लग गए हैं, धीरे धीरे परिणाम सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं इतना ही कहूंगी कि हिंदुस्तान का वोटर समझदार हो गया है और हिंदुस्तान में प्रजातंत्र जो चलता है और जो इलेक्शन की पद्धति है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि प्रजातंत्र को कोई कुछ नहीं इधर उधर कर सकता है। लोग अपने तई सोचते भी हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग वोटिंग से ये दिख रहा है हमें जी। तो एक बात तो है कि मुद्दे भी कभी कभी अलग चलते हैं, कई प्रदेशों में कुछ मुद्दे अलग चलते, ऐसा थोड़ा बहुत हो रहा है, मगर इन जनरल जो सिस्टम चल रही है वो ये दिखती है कि लोग अच्छा काम चाहते हैं, लोग प्रामाणिकता से काम करते, 83,000 वोट नोटा को मिले हैं और प्रजातंत्र के लिए भारत अब धीरे धीरे तैयार हो गया। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में जहां एक तरफ बीजेपी बड़ी जीत की ओर है, लेकिन नोटा भी 1,00,000 पार हो गया। ताई, आप एक बात समझ लो, ये नोटा तो एक सूझ आ गई उनको, कांग्रेसियों ने सोचा अब करे तो क्या करे, लेकिन कांग्रेसी वोट इंदौर में 2,00,000-3,00,000 तो है ही जी। जैसे हमने इतने चुनाव हो गए, हमने देखा कि भाजपा के वोट बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कुछ फिक्स वोटर ये हर जगह रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कई बार रहता है या वैसे भी रहता है कुछ अलग अलग कारणों से, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कांग्रेस का कोई वोटर ही नहीं बचेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और जब ये स्थिति आ गई ऐसे समय पे, आपने कांग्रेस के व्यक्ति ने विड्रॉ कर दिया, जो भी कुछ नाटक इंदौर में हुआ, मैंने इसलिए पहले कहा प्रजातंत्र में वोटर भी समझदार हो गया कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ बातें, और कांग्रेस का वोटर अब जाएगा तो कहाँ जाएगा जी। वोट तो करने जाना है, हर एक को लगता है मैं वोट तो करने जाऊं मगर मेरा उम्मीदवार ही नहीं है तो क्या करूं, तो कुछ जो लोग समझे कि मैं नोटा कर सकता हूं, मुझे किसी को नहीं देना, क्योंकि मुझे देना है तो कांग्रेस को देना, हो सकता है इससे इतना ही होगा कि अगर 1,00,000-2,00,000 तक भी नोटा पहुंचता है तो उतने तो कांग्रेस के फिक्स वोट है, उसके आगे फिर इधर उधर के एमपी में क्लीन स्वीप, उत्तर प्रदेश में थोड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है, मिथिलेश पूछिएगा, कहीं ना कहीं कर गया कि लोग समझते कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रजातंत्र में ये उचित है कि नहीं, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि प्रजातंत्र हिंदुस्तान में मजबूत हो गया। मध्य प्रदेश में तो क्लीन स्वीप नजर आ रहा है, 29-29 सीट, लेकिन थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में नुकसान भी नजर आ रहा है। मुझे बाकी की बात नहीं मालूम, मगर मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे हमारे मध्य प्रदेश पे गर्व इसलिए होता है कि मध्य प्रदेश का संगठन मजबूत है। मैं बार बार एक ही बात करती हूँ, संगठन को मजबूत करो, आपको कोई नहीं हरा सकता है। संगठन को मजबूत करो, कौन सा फैक्टर लगता है जो क्लीन स्वीप की ओर इशारा कर रहा है? ताई, एक अंतिम सवाल, आपको लगता है कौन सा फैक्टर इस चुनाव में चला है, कौन सा बड़ा फैक्टर रहा इस बार चुनाव में आपकी पार्टी के? नहीं, इस चुनाव में फैक्टर तो नरेंद्र मोदी, उनका काम, मींस नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल का काम, राम मंदिर भी।
और बड़ी खबर, त्रिपुरा से बीजेपी के विप्लव कुमार देव जीत गए हैं, जयपुर से बीजेपी की मंजू शर्मा जीती है। अंशिका देखिए, अब ये जो रुझान थे वो अब परिणामों में बदलने लगे हैं। त्रिपुरा ईस्ट की हम बात करें, जयपुर से बात करें, तो सभी जगह अब बीजेपी के कैंडिडेट की जीत का जो अंतर है वो क्लियर होने लगा है। जो आंकड़ा था वो लॉक हो चुका है। त्रिपुरा से बीजेपी के विप्लव कुमार देव जीत गए हैं, जयपुर से मंजू शर्मा की जीत की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, त्रिपुरा ईस्ट से बीजेपी की कीर्ति देवी जीती है। तो बीजेपी के जो बढ़त वाले नेता थे, अब मुझे लग रहा है वो रुझान जो थे अंशिका, परिणामों में बदलना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, और हालांकि हम अब भी देख रहे हैं कि रुझानों में चाहे त्रिपुरा हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे कहीं से भी किसी भी तरीके के नतीजे आ रहे हो और बीजेपी के लिए पॉजिटिव क्यों ना हो, लेकिन रुझान जो है वो 300 तक पहुंच जाए तब शायद बीजेपी के नेता सांस में सांस लेंगे, क्योंकि अभी 300 से भी नीचे चल रहे हैं रुझानों में। सीट्स लगभग 291 के करीब करीब चल रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए भी रुझानों की अगर बात करें तो पॉजिटिव है, ये 231 सीटें कांग्रेस की ओर जाती हुई नजर आ रही हैं। तो पहले ये 300 टच कर जाए तो ये माने कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पॉजिटिव होगा। हालांकि अभी विपक्षियों के लिए तो ये रुझान काफी सही चल रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो रिएक्शंस भी आ रहे हैं नेताओं के, उनका तो कहना था कि हाँ 9 से 10 सीटें कहीं नहीं गई हैं, बीजेपी इन पर तो जीतती ही जीतती, और ऐसा ही कुछ रुझानों में भी नजर आ रहे हैं। एक सीट जो है वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के लिए जाती हुई नजर आ रही है। सतीश अहलिया साहब हमारे साथ जुड़ गए। सतीश जी बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जो रुझान थे वो अब परिणामों में बदलना शुरू हो गए हैं, कई बड़े कैंडिडेट्स की जीत के रिजल्ट क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अभी आप कैसे देखते हैं जो रुझान और जो क्लियर हुए परिणाम है, उन्हें क्या पहली प्रतिक्रिया इस पर रहेगी आपकी? देखिए, जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ था हर चरण में, उसका असर हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड उम्मीदें थी उसको मतदान के प्रतिशत ने किस तरह प्रभावित किया है, किस तरह से कम किया है। और ये जो कांग्रेस के साथ की जो पार्टियां हैं, जो एक इंडी अलायंस जो बना था वो पूरी तरह से बहुत मुकम्मल नहीं बन पाया था, लेकिन इसके बावजूद उसकी तरफ जो रुझान दिख रहे हैं, कांग्रेस की इंडिविजुअल सीट देखें रुझान में हम, और उससे जुड़े हुए जो दल हैं इंडी अलायंस है उनके अगर हम रुझान देखें तो एग्जिट पोल से भिन्न दिख रही है स्थिति। और मुझे लगता है ये मतदान का प्रतिशत भी असर है, का भी असर है कम प्रतिशत होने का, और जो वोट शिफ्टिंग जो होती है एक दल के दूसरे दल को, पहले कई बार ये प्रयोग फेल रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश में, बसपा का और कांग्रेस का वोट एक दूसरे को शिफ्ट नहीं हुआ था जब उन्होंने गठबंधन किया था, या सपा और बसपा का नहीं हुआ था। हाँ। लेकिन इस बार लगता है कि वो कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है या आम आदमी पार्टी का दिल्ली में या कहीं, वो शिफ्टिंग इस बार मतदाता ने उसको बहुत, उनके गठबंधन को, उनके जो लाइक माइंडेड जो मतदाता हैं उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया है। ठीक है, और मैं इसको इस तरह से भी देखता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, एक मजबूत विपक्ष जरूर चाहिए देश को। हाँ।